रात के 12:15 बज रहे हैं, हम अभी घर आए हैं 15 मिनट पहले। 15 मिनट पहले ही घर पहुंचे, सारा तामझाम हो गया। फिर हम घर पहुंचे और सबकी हालत ऐसी हो रही है कि सो जाए। ड्राइवर की हालत मुझे लग नहीं रही कि कल वो गाड़ी चला कर जाएगा, पर फिर भी गुड नाइट, शुभ रात्रि। अच्छा आपको आशा क्या आशा है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय, हर हर महादेव। बाय, ड्राइवर भी आ गया। बाय, हर हर महादेव। कोई लोग कल ही जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? कल जा रहे हैं। इसने खाना पपड़ी पपड़ी है। हर महादेव। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे अपने घर में। आज हम लोग वापस निकल रहे हैं दिल्ली और अभी हम नाश्ता करेंगे। हाँ, ये शुरू तू कर ले शुरू। हेलो, बोल आगे। हर महादेव। आगे जा रहे हैं तो इतना घूम घूम के क्यों बोल रही है? गाइस को पता कैसे चलेगा? और ये खाना खा के जा रहे हैं। क्या खा रहे हैं हम? अभी तो बताया था कद्दू करेला। कद्दू करेला तू भी खाएगी ना? खाइयो कद्दू करेला। कद्दू करेला खा लियो। नहीं, अभी तो बताया था क्या खा रहे हैं। जिस चक्कर में तुमने अंधेरे में व्लॉग बना लिया फिर से। हां, है ना? ये ले, लाइट आ गई है। वाह यार वाह, आ गई ना। चल नाश्ता करें। वो कद्दू करेला आज तू भी हमारी, आज ही हमारे साथ करेला खाएगी। कद्दू करेला और तो लौकी। हाँ, और वो भिंडी। भिंडी सो रही है। भिंडी सो रही है। और मम्मा बैंगन खिलता क्या हंसना है। और बुआ। बुआ तू बता ना। गोल वाला घिया लौकी। और पापा क्या है? पापा मेरे लालू मामा। हाँ। लालू मामा कोई सब्जी होती है? नहीं नहीं, लालू मामा का आलू। मिर्च। मिर्च आलू मिर्ची। बाबरे, इतने बड़े पपीते। ये तो बहुत छोटा है, इसका इतना बड़ा फल था। क्या बात कर रहे हो, तो बहुत बड़ा है। अच्छा, कच्चा पपीता है ना ये, या पक गया होगा? नहीं नहीं, अभी तो कच्चा ही है। इसकी सलाद बना के खाएंगे। तो वही तो मैंने कहा तुम्हारी बेटी को सलाद खाना। हमारा आज का नाश्ता है सैंडविच और म्यूसली। ये कैसी हो रही है? तो एक गरम चाहिए, वही मम्मी ने पूछा था। ये लीची जा रही है हमारे लिए। इसको देख, कट्टा भर के। बाप रे, कम नहीं है। इसकी छटाई कर लेना। ये पहुंच के छटाई करनी पड़ेगी ना। तो ये इतना भारी थोड़ी है, वो तो लीची जा रही है। खा तो सकते हैं ना, कटी वाली खा तो सकते हैं। हाँ, कटी जो है। हाँ, साफ करो। इतना लीची का कट्टा मम्मी हम लेके जा रहे हैं, फिर भी आप यहीं पे खा रही हो लीची। मामी जी का साथ दे रही है मम्मी। मुझे भी दे दो इसी बात पे एक। तू भी। अच्छा, तूने कुछ खाया नहीं है? हम तो खा लिया, मैंने केक खा लिया। बाय बाय। मामी जी भी उधर आ गई हैं। अच्छा बाय। लालू मामा को बोल उधर है, उधर है। आ गए आ गए आ गए। बाय बाय, जल्दी मिलेंगे। ग्रीन तो यही है, मल्टीग्रीन। एलोराज में आए हैं कुकीज खरीदने, देहरादून के फेमस। देहरादून की फेमस बेकरी से हमने भी बिस्किट्स खरीद लिए फाइनली जाते जाते। हर्षी की इच्छा पूरी हुई। हरिद्वार पहुंच गए हैं। गंगा जी में डुबकी लगानी है ना? मम्मी तो कब से इंतजार कर रही थी, किसी को समय की सीमा नहीं है। गंगा मैया की जय। गंगा जी के पास आ गए हैं। गंगा जी की जय। बढ़िया समोसे खाओ 10 रुपए के दो। जा रहे हैं अब हम हर की पौड़ी, क्योंकि बब्बा को हर की पौड़ी पे ही स्नान करना है। जस्ट लाइक यश, जस्ट लाइक यश भाई। बब्बा और यश तो सेम है बिल्कुल। यहाँ पे इतना अच्छा खाली खाली है। खचा खच है, खचा खच, बंदे पे बंदा। कोई एक जगह नहीं होगी जो खाली दिख रही होगी भाई। यहाँ पे भी तो नहा सकते हैं ये। गंगा मैया सबके शरीर के पाप या फिर मैल धोती हुई। गए हर्षी और बाबा।
मम्मी जा रही है, बब्बा ने अभी तक लगाई नहीं है, हर्षी लगा के आ चुकी है, बब्बा अभी सुमिरन कर, बब्बा अभी सुमिरन कर रहे हैं। गंगा मैया की जय, डुबकी भरना मम्मी लगाओ, डुबकी लगाओ, डुबकी यार बब्बा जाओ, सुमिरन सुमिरन मम्मी भी आई है, लगाओ ना एक बार लगेगा कड़े, मम्मी को ठंडा लग रहा है, ये क्या टाइम पास है भाई, पापा एक से तो नीचे जाओ ना, डुबकी लगाने में 10 मिनट लगा दिए भाई, एक डुबकी मारने से अंदर निकल जाएगी। फाइनली पापा ने डुबकी मार लिया, मम्मी तो अवन्या की तरह डुबकी मार रही है, एक सीढ़ी और, अब पूछी जाती हुई देखते हैं कितने में डुबकी मार पाएगी। फाइनली हमारा गंगा जी में स्नान हो गया, हर्षी ने कितने टाइम पहले बोला था मम्मी पापा के साथ आएंगे तभी स्नान करेंगे, हर हर गंगे फाइनली हर्षी इतने सालों बाद से बोल रहे थे हो गया फाइनली, कब से हमारा मन था, बड़ा मज़ा आया, बहुत ठंडा पानी था बट बड़ा ही रिफ्रेशिंग सा लगा, अब चलते हैं वापस दिल्ली की ओर। गंगा जी में डुबकियां लगाई, दबाता अब भूख लग रही है, चलते हैं कुछ खाते हैं, अभी खाते हैं चलो। नहीं प्यास लग गई रास्ते में, गंगा जी में स्नान करके हमने गन्ने का जूस पिया, रास्ते में रुक के पता नहीं अब खाना तो कब आएगा, अभी 35 मिनट बाद, 35 मिनट बाद है, तुमने ही देखा था वहाँ पे हल्दीराम 35 मिनट, इतने स्टाइल मार के गाड़ी ये चलानी है उसी ने, तू बिना स्टाइल मारे चलाएगी आज चला ले। हमने ले लिया अपना फर्स्ट स्टॉप, जहाँ आते टाइम रुके थे वहीं रुके, और इतनी गंदी गर्मी हो रही है यहाँ, तो लू चल रही है भाई, यहाँ पहुँचते मुझे तो देहरादून की याद आने लगी ऑलरेडी, वहाँ हम कहाँ अभी आराम से पंखा चला के ठंडे ठंडे में बैठे होते, यहाँ हम लू में घूम रहे हैं, जल रहे हैं यार, जल रहे हैं, क्यों आए हैं हम पता नहीं, काम कर रहे हैं क्या। आग ले लिए हमने अपने छोले चावल और राजमा चावल, अभी हर्षी ने क्या ऑर्डर कर रखा है, साउथ इंडियन प्लेटर और मंचूरियन, तो वो हमारे टेबल पे आएगा, लेट्स ईट। बाबा फ्राइड राइस भी लेकर आ गए, अच्छे लग रहे हैं फ्राइड राइस तो, एकदम ग्रीन ग्रीन, हर्षी का साउथ इंडियन प्लेटर, वाह हर्षी आज तो मौज है, आते हुए नहीं, आते हुए तो नहीं, देहरादून जाते हुए नहीं, वापस दिल्ली जाते हुए तो हर्षी ने पी ही ली स्टारबक्स एटलीस्ट, जी हाँ नहीं बरिस्ता स्टारबक्स में कोई भी मिल, दोनों का रोस्ट सेम होता है, दिला रही है ब्लैक वाला, रोस्ट वहाँ करेगी वो, हम तो चलो जो भी स्टारबक्स पी रहे हैं पी रहे हैं, मम्मी को देखो भाई मैंगो ड्रैगन फ्रूट रिफ्रेशर अलग ही चीज पी रही है, कुछ फैंसी है, मम्मी बिल्कुल सेठानी की तरह घूमती है पूरे ट्रिप में, चल पड़ी भाई बिल्कुल ही मुंह फेर के, लास्ट 1 घंटा बचा है बस घर पहुंचने में, और इतनी गर्मी हो रही है, बाहर निकलते उबल गए थे, सही बात है, क्या मस्त रोड है लेकिन दिल्ली मेरठ हाईवे, खेती खेत तो नहीं है, खेती खेत है और क्या है, खेत तो नहीं है, खेती तो होते हैं और क्या कहते हैं, सॉरी माय बैड, हर्षी को बनना होता है, एंट्री की है हमने दिल्ली में और हल बादल दिख रहे हैं सामने, थोड़ी राहत की सांस ली है, लेफ्ट साइड में है बादल देख, मम्मी सामने भी है मेरे तो, ये देखो अच्छी बात है, थोड़ा हम देहरादून का मौसम लेकर आए हैं यहाँ, फाइनली दिल्ली भट्टी अंदर भट्टी में हम आ चुके हैं, एंटर का एहसास ही नहीं हुआ है अभी, भट्टी का एहसास नहीं हुआ है, वैसे भी एसी में बैठे हैं, बादल मस्त हो रहे हैं, देखो घर के दरवाजे खुलेंगे, इस साइड से भी आ रहे हैं बादल, क्या पता मानसून अभी आ ही जाए बस, हम आए मानसून भी लाए हैं, फाइनली वी आर बैक टू आवर होम स्वीट होम, हेलो गणेश जी आ गए अपने कमरे में, हर हर महादेव, चलो
हमारी इसी के साथ ट्रिप पूरी हुई और आज के ब्लॉग हमारे यही खत्म होते हैं। आई होप आपको देहरादून की ये सीरीज पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज कमेंट कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आगे आने वाले ट्रिप्स के बारे में आपको जरूर पता रहे। थैंक यू, बाय, हर हर महादेव। अगर आप चाहते हो हम आपके घर में, आपके शहर में, तो हमें कमेंट करके बुला लेना, हम आ जाएंगे। देहरादून में जितने भी लोग रहते हैं, अगर उनको मेरे से शिकायत है कि मैं उनसे नहीं मिलने नहीं आ पाई, तो मैं जल्दी ही दोबारा देहरादून आऊंगी, आप सब लोगों से मिलूंगी। मम्मी का मीटअप रखवा देंगे। चलो बाय। बिहाइंड द सीन, घर आते ही लीचे का वो शुरू हो गया। हर्षी क्या बोलते हैं इसे, कटाई छटाई। एक तरफ ये वाली लीची है और एक तरफ बिल्कुल साफ सुथरी है। वो ऐसा ना कि गर्मी से बहुत कट्टा देख लो भाई कितना बड़ा है, कट्स लगे हुए हैं।